हेलो एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे आज का वीडियो देख रहे हैं हम नेचर ऑफ़ कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है वो आज इस वीडियो में देखकर कर यहाँ से क्लियर कर लेके जाएंगे मैं आपको इससे पहले बता दूँ मैंने बीकॉम का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है बीकॉम फर्स्ट सेम मार्केटिंग सिलेबस एक चैप्टर हमने फिनिश भी कर दिया है आप चैनल पर जाकर देख लीजिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे और हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए कंज्यूमर बिहेवियर उसका मैंने मीनिंग आपको समझा दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मीनिंग का आप जाकर देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग बताया आज मैं आपको नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बताऊंगा इससे पहले हम सिंपल में कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग देख लेंगे ही नेचर ऑफ़ कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे चले चलते हैं डायरेक्ट मीनिंग की तरफ चलिए कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ़ हाउ पीपल मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट दे बाय व्हाट वांट नीड और एक्ट इन रिगार्ड्स टू ए प्रोडक्ट सर्विसेज़ और कंपनी कंज्यूमर एक कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें स्टडी की जाती है कि पीपल क्या डिसीजन लेंगे कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे उनके नीड्स क्या है उनके वांट्स क्या है ये सब स्टडी की जाती है कंज्यूमर बिहेवियर में और एक कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब स्टडी की जाती है कंज्यूमर बिहेवियर में और एक बार समझाता हूँ कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें स्टडी की जाती है कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या डिसीजन लेंगे उनके नीड्स क्या है उनके वॉन्ट्स क्या है और एक कंपनी के प्रोडक्ट को वो कैसे रिएक्ट करेंगे यही कंज्यूमर बिहेवियर है अब इसको डिटेल में जानने के लिए हम नेचर देखते हैं चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट नेचर की तरफ फर्स्ट नेचर है सिस्टमेटिक प्रोसेस कंज्यूमर बिहेवियर इज अ अस्टमैटिक प्रोसेस रिलेटिंग टू बाइंग डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर्स डिसीजन ऑफ़ कंज्यूमर्स कंज्यूमर बिहेवियर ए सिस्टमैटिक प्रोसेस है सिस्टमैटिक से स्टडी की जाती है इसमें इसमें कुछ भी ऐसा उल्टा उल्टा नहीं किया जाता सिर्फ सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है कैसे देखते हैं द बाइंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स अब कंज्यूमर consumer, कंज्यूमर्स क्या करते हैं कुछ स्टेप्स है जो कंज्यूमर्स अपनाते हैं अपनाते हैं अपने बाइंग बिहेवियर परचेस करने के लिए गुड्स परचेस करने के लिए क्या क्या है देखते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय द प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को पहले जान लेते हैं कैसा प्रोडक्ट है किस चीज़ का प्रोडक्ट है कैसा सर्विस देगा ये सब पहले वो स्टडी कर लेते हैं कंज्यूमर्स भी सेकेंड है इन्फॉर्मेशन सर्च रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट अब इन्फॉमेशन कलेक्ट करते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो भी प्रोडक्ट खरीदा जैसे उनके रिलेटिव्स उनके फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदे उनको पूछते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं थर्ड है लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव ब्रांड्स अब प्रोडक्ट खरीदना है तो दूसरे दूसरे ब्रांड्स के दूसरे दूसरे ब्रांड को ये करते हैं सर्च करते हैं और कौन सा ब्रांड अच्छा है उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं लास्ट है परचेजन अब जो सा प्रोडक्ट अच्छा लगा वो परचेज़ करते हैं इसीलिए ये सब करे के बाद कंज्यूमर ही प्रोडक्ट करता है प्रोडक्ट खरीदता है इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर का क्या है यहाँ पर एक मार्केटर अगर गुड्स सेल करना है तो उसे सिस्टमेटिकली सारा स्टडी करना होगा क्योंकि उनके उनके नीड्स क्या है वो कैसे अपने गुड्स को सर्च कर रहे हैं किस किस को पूछ रहे हैं ये सब स्टडी करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट ये था फर्स्ट प्रोसेस चलिए अब सेकेंड नेचर की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड नेचर है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर कई फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं कहते हैं कौन से कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को द फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर्स आर मार्केटिंग पर्सनल फिजिकल साइकोलॉजिकल सिचुएशन सोशल एंड कल्चर अब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को जैसे मार्केटिंग फैक्टर्स अब मार्केटिंग को से प्रोडक्ट की अच्छी हुई वही कंज्यूमर परचेस करेगा अब जैसे पर्सनल उनके भी कुछ पर्सनल फैक्टर्स रहते हैं जैसे परचेस करना है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो सब उसमें ही आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब उनका अगर दिल नहीं चाह रहा वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना करेंगे सिचुएशनल फैक्टर सिचुएशन देख के प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका सोशल फैक्टर सोशली जो प्रोड़, जैसे प्रोड़, जैसे बहुत ज़्यादा लोग परचेस करें, करेंगे वही परचेस करेंगे कल्चरल फैक्टर जैसे उनके कल्चर के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस परचेस करेंगे इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर का यहाँ पर ये काम है ये सब फैक्टर्स को नजर नज़र करते हुए ही अपना प्रोडक्ट बनाएं अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें यह था अपना सेकेंड कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर अब बढ़ते हैं थर्ड पे थर्ड है डिफरेंट फॉर ऑल कस्टमर्स कैसे देखते हैं ऑल कंज्यूमर्स डो नॉट बिहेव इन द सेम मैनर हर कस्टमर्स सेम नहीं रहता वो कोई भी हर कस्टमर एक ही तरह रिएक्ट नहीं करता डिफरेंट कंज्यूमर्स बिहेव डिफरेंटली जैसे डिफरेंट कंज्यूमर्स बिहेव डिफरेंटली द डिफरेंस इज एन कंज्यूमर बिहेवियर इज ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स सचैज नेचर ऑफ कंज्यूमर्स लाइफ स्टाइल कल्चर एक्सेट्रा अब हर कस्टमर्स दूसरे दूसरे दूसरा दूसरा रिएक्ट करता कोई भी एक तरह रिएक्ट नहीं करता हर कोई एक तरह रिएक्ट नहीं करता इसीलिए ये डिफरेंस क्यों आ जाता है उनके नेचर के लिए उनकी लाइफ के लिए उनके कल्चर के लिए अब जैसा एक सिंपल दिखने वाला आदमी है जो फॉर्मल दिखने वाला है वो फॉर्मल ही कपड़े चूज़ करेगा अब जो मॉडर्न लड़का है वो मॉडर्न कपड़े चूज़ करेगा इसलिए हर कस्टमर एक तरह रिएक्ट नहीं करता इसीलिए अगर एक मार्केटर एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है मार्केट में वो तो सारे कंज्यूमर्स को स्टडी करना हर कंज्यूमर को स्टडी करते ही वैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो तो अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा मार्केट में ये था हमारा थर्ड नेचर अब बढ़ते हैं चौथे ने फोर्थ नेचर पे फोर्थ है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देर आर सम कंज्यूमर्स हु मे बाय मोर क्वान मोर क्वान्टिटी ऑफ सर्टन आइटम्स एंड वेरी लो और एंड नो क्वांटिटी ऑफ सम अदर आइटम्स अब हर हर अब जैसे यहाँ देखिए कंज्यूमर बिहेवियर जैसा दूसरा दूसरा रिएक्ट करते हैं हर कोई ऐसा कस्टमर नहीं रहता कि एक ही प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले कोई कंज्यूमर रहते हैं कि एक प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा खरीदते हैं और एक प्रोडक्ट कम से कम या तो फिर ख़रीदते ही नहीं इसीलिए कंज़्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर जो भी स्टडी कर रहा है मार्केटर उसको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए जो जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चले ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर परचेज़ करें ऐसा अट्रैक्टिव माहौल बनाना चाहिए ऐसा अट्रैक्टिव मार्केटिंग करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने लगे ये था फोर्थ नेचर अब बढ़ते हैं फिफ्थ नेचर की तरफ फिफ्थ है रिलीजनल बॉन्डेड द कंज़्यूमर बिहेवरियस अक्रॉस स्टेट रीजनस एंड कंट्रीज फॉर इंस्टेंस द बिहेवियर ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रूरल कंज़्यूमर्स नॉर्मली रूरल कंज़्यूमर्स आर कंज़र्वेटिव ट्रेडिशनल इन देयर बाइंग बिहेवियर आप रीजन के हिसाब से वो जहाँ रहते हैं उस हिसाब से भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं आप कंज़्यूमर बिहेवियर हर जगह ही नहीं रहता कंज़्यूमर बिहेवियर स्टेट्स रीज़न्स एंड कंट्रीज़ के हिसाब से बदलते जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हूँ मैं आपको जैसे अरबन मतलब जो शहरों में जो सिटीज़ में रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल अलग रहता है जो रूरल गाँव में विलेज़ में रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल अलग रहता है अब जैसे मोस्टली देख लीजिए आप अरबंस में सिटीज़ में लोग क्या करते हैं ट्रेडिश ये मॉडर्न कपड़े पहनते हैं फॉर्मल कपड़े पहनते हैं मॉडर्न कपड़े पहनते हैं ऐसा सिटीज़ में चलता है बट विलेजेस में ऑलमोस्ट ऑल सब लोग ट्रेडिशनल अपनाते हैं जैसे ओल्ड मैंस रहते हैं वो धोती धोती शर्ट पहनते हैं ऐसे ऐसे चलता है अर्बन इसमें विलेज़स में इसीलिए जहाँ कहीं भी मार्केटिंग हो रही है वो रिलीजियस को देख के मार्केटिंग की जाए उनके कल्चर को देख के मार्केटिंग की जाइए की जाए एक मार्केटर अगर आप फ्यूचर में जाके मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपका एक रिस्पॉन्सबिलिटी है कि आपको सिटीज़ में अलग मार्केटिंग करनी चाहिए रूरल में अलग मार्केटिंग करनी चाहिए जहाँ का रीजन देखिए आप वहाँ वहाँ की जैसी आपको मार्केटिंग करनी चाहिए अब बढ़ते हैं सिक्स नेचर की तरफ सिकस्थ है रिफ्लेक्स स्टेटस आज के ज़माने में स्टेटस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोग अपना प्यार मोहब्बत नहीं देख रहे हैं, बट स्टेटस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं देखते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेटस ऑफ ए कंज्यूमर बट इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स दोस् कंज्यूमर हु ओन लग्जरीज कार वॉचेस एंड अदर आइटम्स आर कंसिड बाय अदर्स एज ए ऑफ हायर स्टेटस देखिए आज के ज़माने में तो है जैसा जो जो आदमियों के पास जो पर्सनस के पास लग्जरी कार्स है वॉचेस है बड़े बड़े बंगले हैं बड़े बड़े हाउसेस है तो वो कंज्यूमर्स को सॉरी वो पर्सन्स को दूसरे पर्सन क्या रिएक्ट करते हैं कि वो एक लग्जरीज पर्सन है मतलब एक हायर स्टेटस का पर्सन है इसलिए अब वो पर्सनस के लिए वो वो पर्सनस क्या करते हैं लग्जरीज कार्स ख़रीदते हैं लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, हैं। इसीलिए मार्केटर की एक जिम्मेदारी है कि वो उनको भी स्टडी करें जो लग्जरीज चीज़ें खरीदते हैं उनको भी स्टडी करें और उनके हिसाब से भी मार्केटिंग करें ऐसे कि नहीं सिर्फ मिडिल क्लास के वास्ते आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अच्छे से अच्छे जो भी हायर का हायर जो स्टेटस है उनके लिए भी आप प्रोडक्ट बनाएं उनके लिए भी आप प्रोडक्ट बनाएं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसीलिए हर एक को माइंड में रख के आपको प्रोडक्ट बनाना है आप देखते हैं सेवन्थ स्प्रेड इफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर हैज़ अ स्प्रेड इफेक्ट द बाइंग बिहेवियर ऑफ वन पर्सन में

अगर वो अच्छा लगा तो दूसरे फ्रेंड्स को प्रीफ़र करेगा कि प्रोडक्ट आप ख़रीदे बोल के इसलिए ज़्यादा मार्केटिंग होगी अगर एक पर्सन वही पर्सन का गुड्स ख़रीदा अगर उसका डिफेक्टिव पीस मिला तो वो दूसरों को भी प्रीफर करेगा आप ऐसे इससे गुड्स मत खरीदिए और जैसे आज के ज़माने में हर लोग प्रीमियम ब्रांड्स पहनने की कोशिश कर रहे हैं प्रीमियम ब्रांड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वॉचेस हो गया क्लोथ्स हो गया इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ख़रीदते इस टाइम अपने कलीग्स को अपने नेबर्स को अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं उसका प्रीफर लेके ही गुड्स खरीदते हैं इसीलिए आप कुछ भी ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नमत रह ही रखिए मार्केट मार्केट में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट रखने की कोशिश कीजिए अच्छे से प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की कोशिश कीजिए मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स आठ पॉइंट्स यूँ समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको टूवेल्व मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आप ट्वेल्व मार्क्स पूरे करना मैं आपको फाइव पॉइंट्स नहीं समझा रहा अगर फाइव पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको सिर्फ फाइव टू सिक्स मार्क्स मिलेंगे इसलिए मैं आपको टूवल्व मार्क्स का समझा रहा हूँ लास्ट है अपना फॉर मार्केटर्स मार्केटर्स नीड टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दे नीड टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ़ दर टारगेट टारगेट कंज्यूमर्स द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इनेबल्स मार्केटर्स टू टेक अप्रोप्रियट मार्केटिंग डिसीजनस मार्किटर्स को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर की न, उनको हर चीज़ ऐसी स्टडी करनी चाहिए जो मार्केट में जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर करे जो गुड्स परचेज करने के लिए अगर अगर नॉलेज रही अगर कंजूम अगर नॉलेज रही कंज्यूमर की मार्केटर को तो वो अच्छे से अच्छे से डिसीजन ले सकता है अच्छे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है इसलिए कंजूम इसलिए मार्केटर को अपने कंज्यूमर्स की नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में जैसे ही उसको नॉलेज रहेगा उस हिसाब से वो मार्केट करेगा उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट बिकेगा ये थे हमारे आर्ट नेचर उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आ गया होगा अगर समझने आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे भी ऐसे वीडियोस में मेरे आन, आने को मिलेंगे आपको इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू